इशारा तेरी रहमत का अगर एक बार हो जाए, इशारा तेरी रहमत का अगर एक बार हो जाए, तो फिर इस उजड़े गुलशन में गुलो गुलजार हो जाए, गुलो गुलजार हो जाए। और तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बाबा ने सबों का सुना है, और बाबा के शरण में जब आ चुके हैं तो बाबा किसी को खाली नहीं लौटाते हैं। कहते हैं कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, ऐ बाबा तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। एक बार बाबा के नाम पे जोरदार ताली ताली हो जाए, और दोनों हाथों को खड़े करके एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल दे सच्चे दरबार की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। और इसी बीच इस प्यारे से बजट पे खुश होकर वार्ड पार्षद प्रशांत जी के तरफ से पूरे 500 रुपए का आशीर्वाद है। हम चाहेंगे एक बार इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़े ध्यान से इस भजन को सर सुन रहे थे, हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। कहते हैं कि चाह कर श्याम को भुलाना कोई मजाक नहीं, कि चाह कर श्याम को भुलाना कोई मजाक नहीं, और इस दुनिया में आने के बाद अपने माँ बाप को भुलाना कोई मजाक नहीं। अरे ये तो वो सबरी ही थी जिसने कर दिखाई, वरना चख कर बैर स्वयं प्रभु श्री राम को खिलाना कोई मजाक नहीं। बड़ा ही सुंदर गीत आदित्य जी के माध्यम से कई सारे भोजपुरी गाने इनके हिट हैं, सैड सॉन्ग तो अनगिनत हिट हैं, और भोजपुरी का कोई भी ऐसा मंच नहीं बचा है जिस मंच पे आदित्य जी नहीं रहते, चाहे वो खेसारी लाल जी का मंच हो, पवन सिंह जी का मंच हो, रितेश पांडे जी का मंच हो। हम चाहेंगे एक बार आज पूर्णिया ही है, तो एक बार पूर्णिया वाला सम्मान होना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबों की तरफ से आदित्य जी के लिए। जोरदार, बहुत अच्छा कहा आपने कि प्रेम अगर दिल में हो वाकई में प्यार से सारे जहान को जीतते हैं, सारे जहान को जीत सकते हैं। प्यार में वो ताकत है कि सबड़ी ने भी वाकई में श्री राम को बेर खिलाया था। बहुत अच्छी बातें रूपेश जी ने कहा। कहते हैं कि प्यार में ताकत है सारे दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है सारे दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। आइए फिर से सुनते हैं अदिति राज, अरे सब लोग का फरमाइश से रक्षाबंधन के गीत जरूर सुनाइएगा, सब लोग का इशारा जान रहे हैं। ताकि इस गाने के बाद बड़ी सुंदर सावन के पावन महीना दिन में औरत अपना राजा जी से, अपना सैया जी से बड़े सुंदर भाव में बताओ तरी कह तरी, बड़ी सुंदर भाव में नोक झोंक तो हो खेला पति पत्नी में बाकी का। श्री भाई बहन का महान पर्व, और उसी पे आदित्य जी के माध्यम से एक प्यारा सा खूबसूरत गीत। कहते हैं कि उसने सारी परियों को बुलाया होगा, कि उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, उसमें ममता का अश्क मिलाया होगा, कि उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, उसमें ममता के अश्क मिलाया होगा। अरे कोशिश होगी कि परियों को जमी पर लाया जाए, तब जाकर उसने बहनों को बनाया होगा। तो एक बार अपने अपने बहनों के लिए बेजोरदार तालियां होनी चाहिए सबों की तरफ से, क्योंकि कहते हैं कि अब किसी के जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, कि अब किसी के जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अरे ये बहने दुनिया में नहीं होगी तो भाई के कलाई पे राखी कौन बांधेगा। और इस महफिल में कुछ बुजुर्ग उपस्थित हो तो उन्हें रहने दीजिए। एगो औरत अपना राजा जी से, अपना सैया जी से इस सावन के महीना दिन में बड़ी सुंदर भाव में बताओ तरीका हो तरीका कैसे भाव में ये होला भाव। ए राजा जी, ए सैया जी, बोले रउआ जब से ले आइल बानी तब से ही घर के झमेले में डालले बानी, बाकी देखियो इस सावन के पावन महीना दिन में अच्छा मुकेश भैया के पत्नी, नीरज भैया के पत्नी अच्छा, सुभाष भैया के पत्नी, राकेश भैया के पत्नी, सब लोग देव घर जातन अच्छा, रउआ बना कंजूस मरद बने कि रउआ हमरा के न ले जाए। सुनिए असन कंजूस मरद खातिर ते का ताली बजा। सुनिए कहते हैं कि दिल में समाया बहुत लगता है भैया,
कि दिल में समाया बहुत लगता है, फिर वही शख्स पराया बहुत लगता है। अरे देवघर तो मैं भी जाना चाहता हूँ सुभाष भैया, लेकिन मैंने सुना है कि आने जाने में किराया बहुत लगता है। तो है ना मुकेश भैया, राकेश भैया, सुभाष भैया, नीरज भैया, नीरज भैया, लेकिन आज जितना देवघर जाने में खर्चा लगेगा ना सुभाष भैया देंगे और सर देंगे। अच्छा सुभाष भैया यहीं पे उपस्थित हैं। हाँ यही है, जाइए आपको जितना मन करे उतना बार जाइए। सुभाष भैया देखिए को कंजूस मर्द नहीं लला, औरत के दर्द समझे औरत का तरीका कि जिंदगी भटल लला सैया, कि जिंदगी भटल लला सैया आज घर के झमेला में, कि जिंदगी भटल लला सैया आज घर के झमेला में, चल न घुमा दो देवघर सुभाष भैया हैं, उनके तरफ से मिलेगा तब ना जाइएगा। मन देख के
बाबा भोलेनाथ आपको जोरा जोरा बेटा दे, इस बार भी शादी हुआ है, भोलेनाथ करेंगे अगला साल में अपना जोरा बेटा हो जाए कि आप फिर से दर्शन करने आए। और कहना क्या है बड़ी सुंदर भावना घुमा।